अब हमारा अगला टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखें, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, तो डेफिनेटली व्हेन वी रिसीव अ क्रूड मेटल, तो मेटल इज ऑलवेज कॉन्टेमिनेटेड विद द इंप्यूरिटीज। ये चीज हमें याद रखना होगा। सो एक्सट्रैक्टेड मेटल इज Always contaminated by certain impurities। अब उन impurities को metal से अलग करना, इसका मतलब यह होगा कि metal को purify करना। So removal of impurities from the extracted metal इट्स कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। याद रखे, सो याद रखे, रिमूवल रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब मेटल को रिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब हम लोग कौन सा तरीका या कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रिफाइन द मेटल, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेटल इटसेल्फ एंड द इंप्यूरिटीज व्हाट एवर प्रेजेंट इन दैट मेटल। तो हम आगे अभी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिफाइन द मेटल। सो फर्स्ट वेरी फर्स्ट टेक्निक इज द डिस्टिलेशन बाय रिफाइनिंग, यानी रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इन सिंपल इज द वेरी फर्स्ट टेक्निक। अब देखो, हम लोग को डिस्टिलेशन का मतलब पता है, वी नो वेरी वेल व्हाट डिस्टिलेशन इज। अब ये जो मेथड है, ये हर मेटल के लिए एडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। ऐसा मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वोलेटाइल भी, ये चीज याद रखो। सो मेटल्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट्स, याद रखे, मेटल्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वोलेटाइल आर रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन, यानी उसी का डिस्टिलेशन हो सकता है। दूसरी बात, अब यहां पे हम क्या करेंगे, मेटल इज टू बी हीटेड अबव द बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेटल का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके ऊपर के टेम्परेचर पे उसको हम लोग हीट करेंगे, उसके वेपर्स जो है वो कलेक्ट करेंगे और कंडेंस करके रिसीवर में रिसीव करेंगे। ये चीज हमें याद रखना होगा। और ये चीज कहाँ होगी, रिटॉर्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, सो मेटल इज हीटेड अबव द बॉइलिंग पॉइंट इन अ रिटॉर्ट। ऐसा करके क्या करेंगे हम लोग, एंड वेपर्स आर कंडेंस्ड एंड रिसीव्ड इन द रिसीवर। हम लोग रिसीवर में उसको रिसीव करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, जब आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर के टेम्परेचर पे बॉइल करके आप वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस करेंगे, तो इनप्यूरिटीज जो है वो रिटॉर्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और मेटल प्यूरिफाई होगा। सो याद रखें, सो इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज रिमेन बिहाइंड बिहाइंड इन रिटॉर्ट। इंप्यूरिटीज रिटॉर्ट में होगा और हमारे पास मेटल होगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दीज आर द मेटल्स विच कैन बी रिफाइंड बाय
डिस्टिलेशन, यानी इनका डिस्टिलेशन किया जा सकता है। अब डिस्टिलेशन के बाद अगली टेक्निक हम देखेंगे लिक्वेशन। अब देखें लिक्वेशन ये दूसरा तरीका है मेटल को रिफाइन करने का या प्यूरिफाई करने का। अब लिक्वेशन किस मेटल का होना चाहिए, इस चीज का चयन हमें करते आना जरूरी है। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ बेटर स्टडी ऑफ द क्रूड मेटल जो भी हमारे पास होगा, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसके बारे में भी हमें पता चलना चाहिए। अब लिक्वेशन जो है ये मेथड बेस्ड है कहीं पे डिफरेंस इन फ्यूजिबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटी एंड मेटल, याद रखें। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस डिफरेंस इन फ्यूजिबिलिटी फ्यूजिबिलिटी ऑफ मेटल एंड इंप्यूरिटी, मेटल एंड इंप्यूरिटी यानी जो भी मेटल है वो फ्यूज होने का टेम्परेचर और उसके अंदर जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उसका फ्यूज होने का टेम्परेचर अलग होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप उस मेटल को इस मेथड से रिफाइन कर सकते हो। दूसरी बात, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना, मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का वो कम होना चाहिए तभी हमको ये चीप लगेगा या पुराएगा। सो इसको हमें क्या करना होगा, इम्प्योर मेटल को ले एंड दैट इज केप्ट ऑन द स्लोपिंग हार्थ ऑफ द रिवर्बरेटरी फर्नेस, याद रखे, और उसको उस स्लोपिंग हार्थ के ऊपर हीट करना होगा। कितने टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे, एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। और हमें याद रखना होगा, हमें याद है कि इंप्यूरिटी जो होगा मेटल के अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा होगा, याद रखें। सो मेटल इज हीटेड ऑन अ स्लोपिंग हार्थ ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस एट द टेम्परेचर अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अब इसमें एक चीज याद रखो, मेटल जो है वो मेल्ट होगा, इम्प्यूरिटी जो है वो जगह पे रहेगा, यानी कि वो मेल्ट नहीं होगा क्योंकि इम्प्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा होगा, याद रखे। सो व्हाट हैपन्स, मेटल गेट मेल्टेड लीविंग बिहाइंड इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी ऑन द स्लोपिंग हार्थ ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये चीज आपको याद रखना होगा, यानी इंप्यूरिटी जो है वो स्लोपिंग हार्थ के ऊपर जमा हो जाएगा और मोल्टन मेटल कैन बी रिसीव्ड। इस प्रकार से हम लोग मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार के मेटल को आप लिक्वेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं। याद रखें, मेटल्स लाइक टिन लीड आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, याद रखें। सो टिन लीड इन जैसे जो मेटल्स है जिनमें वो इंप्यूरिटीज होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल के मुकाबले ज्यादा होता है, ऐसे मेटल को रिफाइन किया जाता है यूजिंग व्हाट, लिक्वेशन।